हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे को फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी पी एस सी ई पाठशाला में। सी जी पी एस सी ई पाठशाला में आज जो आपका नेक्स्ट टेस्ट पेपर है, टेस्ट नंबर 3 संविधान, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना है। और साथ ही साथ, वैसे तो आज आपका नेक्स्ट वीडियो आना था योजनाओं के ऊपर, लेकिन वो वीडियो अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पहले उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में बताऊंगा कि ये टेस्ट पेपर में है क्या क्या। देखिए, जैसे ही योजनाओं का मैंने वीडियो बनाया तो बहुत लोग कमेंट आ रहे थे कि अब सरकार चेंज हो चुकी है तो इन योजनाओं को पढ़ना बेनिफिशियल है कि नहीं। मैं सभी को यही सजेस्ट कर रहा था कि योजनाओं को पढ़िए। फिलहाल सी जी पी एस सी प्री का जो अभी पेपर होने वाला है, उस समय तक या उस पेपर के लिए कम से कम इन योजनाओं को पढ़ के रखिए। लेकिन जिस तरीके का सिनेरियो या अभी आसपास चल रहा है, जिस तरीके की न्यूज़ आपको सुनने के लिए आ रहे होंगे, उससे अब मुझे भी इन योजनाओं के ऊपर डाउट होना चालू हो गया है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रदेश में यदि सत्ता परिवर्तन होता है या कोई भी राजनीतिक परिवर्तन होता है या नई सरकार बन के आती है, तो उस राज्य के जो प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं या प्रशासनिक प्रमुख होते हैं या कोई आपकी जॉब वैकेंसी निकाली जाती है आपकी सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या कोई भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसे ये सब केवल कहने की बातें हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए, इसे किसी भी प्रकार से आप पॉलिटिकल वे में मत लीजिएगा कि किसी एक सरकार की प्रशंसा की जा रही हो, दूसरे सरकार की उपेक्षा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्ट की चीज़ है वो बता रहा हूँ। देखिए, आप अभी जो करंट का जो सिनेरियो चल रहा है वो ऐसा है कि नई सरकार बनने के बाद कई प्रशासनिक प्रमुख है, जैसे हमारे प्रदेश के जो आपका डीजीपी है वो चेंज हो गए, मुख्यमंत्री सचिव है वो चेंज हो गए, ये सारे प्रशासनिक प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी सरकार यदि सत्ता परिवर्तन भी होता तो इन प्रशासनिक प्रमुखों के पदों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जॉब वैकेंसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। या जो योजनाएं चली आ रही है इतने समय से सरकार के द्वारा, यह सब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, यदि योजना जन कल्याणकारी होती है तो इन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी आप करंट में सुन रहे होंगे कि जो हमारे प्रदेश में चल रहा था आपका संचार क्रांति योजना, जो आपके पिछली भाजपा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, उसे अभी नई सरकार ने बंद कर दिया है। यानी कुछ लोगों को अभी भी संचार क्रांति योजना के अंतर्गत मोबाइल मिलना बाकी था, लेकिन नई सरकार ने इसे बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो आपका पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो आयुष्मान भारत योजना चल रहा था, उस योजनाओं की भी समीक्षा की जा रही है, यानी उस योजनाओं को भी हमारे प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें अब थोड़ा सामने आ रहा है, तो अब मुझे भी लग रहा है कि इन योजनाओं को पढ़ना उतना बेनिफिट हमारे लिए नहीं है, बिना फालतू का हमारा टाइम वेस्ट होगा। मेरा प्लानिंग क्या था कि आप लोग को लगभग 15 जनवरी तक मैं आप लोग को वीडियो कंटिन्यू करने वाला था, लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो बना करके आपका सारा योजना कंप्लीट कराने का मेरा प्लानिंग था। उसके बाद मैं 15 जनवरी के बाद मैं भी थोड़ा शहर से बाहर जा रहा हूँ, और वापस आने के बाद मैं भी खुद अपना सेल्फ स्टडी करूँगा। मैंने भी पीएससी का फॉर्म भरा है, मुझे भी अपना थोड़ा सेल्फ प्रिपरेशन करना है। तो उसके बाद आपका 15 जनवरी के बाद आपका वीडियो आना बंद हो जाएगा, और 15 जनवरी के बाद से फिर से जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा आपका 20 फरवरी को। 17 फरवरी को एग्ज़ाम है पीएससी का, 20 फरवरी से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब देखेंगे कि वो जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर होगा। यदि सीएमओ के लिए हमको थोड़ा समय मिलता है, जैसे एक आध महीने का यदि समय बचा हुआ है यदि सीएमओ के एग्ज़ाम के लिए, तब हम सीएमओ वाले टॉपिक को उस समय कंटिन्यू करेंगे, ऐसा प्लानिंग था मेरा। लेकिन अभी अब हो सकता है कि कल या परसों आपका जो वीडियो आएगा वो आपका लास्ट वीडियो रहेगा। वो जो वीडियो रहेगा आपका करंट अफेयर बचा हुआ है, हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दिसंबर माह का, वो आपका आखिरी वीडियो रहेगा। तो यही मेरे बताने का वो था कि आपका जो योजना वाला जो टॉपिक है उसे मैं बंद कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखेंगे आपकी जो भी आपकी पुरानी सरकार थी, जो भाजपा की सरकार थी, उसकी मैक्सिमम जो योजनाएँ हैं वो अपने किसी न किसी पूर्व नेता के नाम पर रखे, जैसे दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, अटल आवास योजना, है ना, अटल खेतीहर योजना, ये सारी योजनाएं मैं बताने वाला था। लेकिन ये योजना क्या है, किसी न किसी वो हमारी पूर्व सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, तो हो सकता है कि इन योजनाओं को इसमें ना पूछा जाए। तो इसीलिए योजनाओं वाले टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। 15 जनवरी तक का प्लानिंग था वो भी अब चेंज हो गया है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो कल या परसों आ जाएगा, आपका इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर वाला, वो आपका आखिरी वीडियो होगा। ठीक, टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा था, ये टेस्ट नंबर 3 ये संविधान का रहेगा। उसके बाद एक टेस्ट पेपर आपका 15 जनवरी को आपको मिलेगा, वो आपका हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज भी हम यहीं पर एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए,
तो और ये टेस्ट सीरीज के बारे में समझ लीजिए, ये जो आपका टेस्ट पेपर है टेस्ट नंबर 3 संविधान। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आप केवल ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय वाले टॉपिक को ही प्रिपेयर कीजिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव हुए हैं तो संभावना है कि इस विधानसभा वाले टॉपिक से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टेस्ट पेपर में मैंने विधानसभा वाले टॉपिक को भी इंक्लूड किया है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय का क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें मैंने राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद के भी प्रश्न डाले हैं। ये आपका राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद मिलाकर के टोटल 50 प्रश्न का सेट है, उसके अलावा आप ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय मिलाकर के टोटल 50 प्रश्न का सेट है, ओवरऑल 100% का यह क्वेश्चन पेपर है। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन पेपर है, पहली बात समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन पेपर केवल हिंदी में है, ठीक, हिंदी में है ये क्वेश्चन पेपर। डाउनलोड करने से पहले कई इंग्लिश मीडियम वाले के भी कमेंट आते हैं कि हमको थोड़ा इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं इंग्लिश में भी टाइप कर सकूं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका केवल हिंदी लैंग्वेज में आपका टाइप्ड है, तो आपको जो इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप कमेंट बॉक्स में या नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे तो कमेंट सेक्शन में आपका जो पहला कमेंट है वो हमारा ही कमेंट होगा, उस कमेंट में आपका जो लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसके डाउनलोडिंग पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक। इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने का क्या प्रोसीजर है, मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले के दो वीडियो में बता रखा है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो दो वीडियो है, दो वीडियो में मैंने दोनों वीडियो में कैसे इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने का प्रोसीजर पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है, ठीक। तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करना क्या है, कैसे करना है। इसके अलावा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है पीएससी, यानी जो पहली बार पीएससी दे रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना इन टॉपिक को तैयारी किए इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि कूट आधारित है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत के मैक्सिमम क्वेश्चन, इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद के जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कूट आधारित, कूट आधारित मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपका 5-6 लोग स्टेटमेंट दे देता है, उसमें से फिर पूछता है कि 1-2-3 सही है, 2-3-4 सही है, 3-4-5 सही है, ऐसे वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, जब तक आप इसका तैयारी नहीं करेंगे तब तक इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड मत कीजिएगा, पहले प्रिपेयर कर लीजिए। जो हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे ये क्वेश्चन पेपर अभी रहेगा, ठीक। तो ऐसा नहीं कि उस वेबसाइट से ये क्वेश्चन पेपर हट जाएगा, पहले तैयारी कीजिएगा, यदि तैयारी नहीं होगा इन टॉपिक्स पर, तैयारी करने के बाद ही आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक। तो इतना बताना था। इसके अलावा यदि क्वेश्चन पेपर से संबंधित या किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो हर क्वेश्चन पेपर के एंडिंग पेज पे हमारा जो फेसबुक पेज का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसके साथ साथ मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर भी उसमें क्वेश्चन पेपर के एंड में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके यदि आपको किसी प्रकार डाउट लगे तो उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, देखिए टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है उस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसमें जाकर के डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। तो इतना बताना था आप लोग को। तो जो हमारा अभी एक दो रोज में आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।